क्या हाल है भाई लोग, व्हाट्सअप। आज का ट्यूटोरियल है पैराशूट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैराशूट को कर रहा हूँ मॉडल, और मॉडल करते करते मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा, और मॉडल करने के बाद उसको हम करेंगे सिमुलेट। ठीक है, क्लॉथ व्लॉथ सारा लगा लोगों के। तो पहले मैं कर रहा हूँ मॉडल, तो मॉडलिंग का प्रोसेस देखते रहो। तो ये बेसिक शेप मैंने बनाने ये मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में करने में बहुत टाइम खाता है। ओनली फेसेस अपने को ये चाहिए, और बाकी उसके बाद बाकी सबको मैं उड़ा दूँगा। ये अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारा क्लॉथ ढंग से काम नहीं करेगा। तुमको अगर ऐड करना है तो ठीक है, वैसे जरूर कर लो तो बढ़िया ही है। 5 कट मैं हर एक स्ट्रिंग पे डाल रहा हूँ। तो एक चीज़ और के मतलब बेसिकली ये तुम्हारा हो गया। ब्रम 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 यहाँ हो गया कोलिजन, और ये हमारा हो गया क्लॉथ। ठीक है, और इसको यहीं रहने देते हैं। इस पे आते हैं, अपने को शेप चाहिए तो पिन ग्रुप स्विंग ऑन कर दो, स्टिफनेस रहने दो ऐसी। स्विंग फोर्स को मैं 2 कर रहा हूँ। ठीक, और ग्रेविटी को मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ 0, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं कि ये नीचे गिरे। ठीक है, तो एक बार हम सिमुलेट करके देखते हैं। तो ये ऊपर ही अटका हुआ है, ये नीचे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी 0 है। इसीलिए अगर ग्रेविटी में 1 कर देता और अगर मैं सिमुलेट करता तो ये पूरा नीचे गिर जाता। ठीक है, चलो तो इसको वापस हम 0 कर देंगे, ऊपर आएंगे और प्रेशर ऑन करेंगे। ठीक है, प्रेशर ऑन करके 1 या 2 वैल्यू जो तुमको लगता है सही, तुमको लग कि जो देनी है वो दे दो। और यहाँ से मैं कॉटन का प्रीसेट भी कोई लोड नहीं है। ठीक है, जैसा है ठीक है, ठीक हो गया। सेल्फ कोलिजन ऑन कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ग्रेविटी 0 है। अब इसको सिमुलेट करेंगे तो देखो ये ऊपर जा रहा है उठ के। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर ऑन हो गया। ठीक है, तो इस प्रेशर को अगर मैं फैक्टर कम करूँगा तो ये मेरा हिलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली तुमको इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या है फंडा, किस तरह से तुम पैराशूट ढंग का जिस तरह से तुमको चाहिए तुम बनाना छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर कभी भी कम करना हो ना तो यहाँ से कम मत करना, फैक्टर कम करना, क्योंकि यहाँ से कम करोगे तो 0 पहुँचेगा और वो इन्फिनिट टाइप हो जाएगा। ये फैक्टर जो है 1 वाला ये काम करता है प्रॉपर, अगर आपको वैल्यू ऊपर नीचे करनी है तो, अगर आपको उसका फोर्स ऊपर नीचे करना है प्रेशर का तो। ठीक है, अब इसको पकड़ें और यहाँ पर मैं एक देता हूँ लोकेशन, और 50 पे आके एक लोकेशन देता हूँ यहाँ पे। आई लोकेशन एक देता हूँ यहाँ पे और एक देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इन सबको बोल देता हूँ लीनियर। अब वापस आते हैं इधर। ठीक, तो ये वहाँ से वहाँ जा रहा है। अगर हम इस पे आए तो ये ऐसा है। ठीक, ये हो गया, इसमें सब कुछ अपन ने कर दिया और अपन ने इसको भी सेट कर दिया। हम एक चीज़ और करेंगे, हमको चाहिए कि जब ये नीचे आके गिर जाए, दैट इज़ इसका की फ्रेम अगर 5150 पे पहुँचे। कहाँ गया? ओके,
इसका जो ग्रेविटी है 150 पे आके इस पर हम डालेंगे एक की, ठीक। और इधर जाते जाते 175 तक अपन बोल देंगे भैया ग्रेविटी हमको फुल ऊपर चाहिए, ताकि जो हमारी जो नॉर्मल ग्रेविटी है वो आ जाए, ठीक हो गया। और यहाँ से जो प्रेशर वाला फैक्टर है उसको भी देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसको मैं सिमुलेट करूँगा तो कैसे, मैं थोड़ा सा फ्रेम बढ़ा रहा हूँ, 400 कर रहा हूँ, और डिलीट ऑल ब्रेक और ब्रेक मार रहा हूँ। ठीक है, सिमुलेट करें तो ये देखो, अब देखो ये बेसिकली फैला हुआ रह गया, ये दबा नहीं, ये क्यों नहीं दबा, क्योंकि प्रेशर फुल में था, अभी प्रेशर कम नहीं हुआ, और यहाँ पर ग्रेविटी भी ख़त्म हो गई तो टिक तो गया, गिरने वाला सीन तो हो गया इसका, पर वो हुआ नहीं ढंग से। क्यों? क्योंकि प्रेशर वन पे था, प्रेशर पूरा काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा अपने को इधर ज़्यादा करना भी नहीं है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, आई लोकेशन, और इसको भी इधर कर देता हूँ, आई लोकेशन, और इसको भी इधर कर देता हूँ, आई लोकेशन, ताकि वो यहीं यहीं गिरे। अभी सारा टेढ़ा हो रहा है ना, तो वो टेढ़ा ना हो। इसके साथ एक चीज़ और कर रहा हूँ कि जब 150 पे आके हमारा ये पड़ जाता है, तो मैं डिलीट ऑल ब्रेक करके जो मेरा प्रेशर का फैक्टर है उसको मैं एक की फ्रेम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वन चाहिए, पूरा चाहिए। तो जो प्रेशर है जो है इसको यहाँ पे वन दे दो, 30 पे दे दो, और इस पे आके आके बोल दो कि भैया तू हो जा कम, 0.05 कर दो, ठीक है, एकदम कम। इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो। ये हमारा सेटिंग इस तरह से हो गई। अब अगर हम वापस डिलीट ऑल ब्रेक करते हैं और शुरू में आते हैं, और इसको हम फिर से सिमुलेट मारेंगे, ओके, ये यहाँ पे क्यों पहुँचा? क्योंकि मेरे ख्याल से की रहेगी कोई, हाँ देखो ना, दो की है, तो इसकी की इसको डिलीट मार दो, देखो ना, फिर से ब्रेक कर रहा हूँ, मैं फैक्टर को भी 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको प्ले करें तो ये हमारा पैराशूट, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगा के सिंपल सा बनाया है। तुम अपने हिसाब से इसको सेट करो जिस तरह तुमको सेट करना है। अब जैसे देखो ये भी है, छुटपुट छुटपुट चीज़ें हैं, वो करते करते तुम और इसको और फाइन करते रहो अपने हिसाब से। अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये देखो ये कैसे स्टिफ हो रखा है ना, ये भी साथ साथ गिरना चाहिए, पर ये गिर नहीं रहा क्योंकि अपन ने जो पिन वाले को स्टिफनेस दे रखी है, इसको हमको कम करना पड़ेगा, जो मैं को समझ आ रहा है अभी। बाकी मेरे को भी छोटी मोटी, मतलब सिमुलेशन का ऐसा आपके कहता है, आपको हमेशा वैल्यू डालो चेक करो, वैल्यू डालो चेक करो। सिमुलेशन इसलिए करने में मज़ा ही बहुत आता है, और आप तंग भी बहुत जल्दी होते हो। तो बेसिकली यही था हमारा, ये है हमारा क्या, पैराशूट, ठीक है। इसको जहाँ पे तुमको यूज़, तुम इसको नीचे गिफ्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो भी तुमको जिस तरह से करना है करके, और पैराशूट बना के तुम अपने हिसाब से इसको जैसे तुमको एनिमेट करना है जो है कर सकते हो। बेसिक वैल्यूज़ यही है, ग्रेविटी की, शेप की, और ये प्रेशर की, इससे तुम पैराशूट अपना निकाल सकते हो, ठीक है। चलो फिर, टाटा है, बाय बाय है, और अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अच्छा, क्लॉथ का ख़त्म हो गया, कुछ और पूछना है क्लॉथ में तो बता देना। अच्छा, वो कैरेक्टर वाला रहता है शायद, कैरेक्टर का साथ में स्कर्ट वर्ट और कपड़े वपड़े कैसे बनाते हैं, तो वो करता हूँ मैं आराम से। कुछ अगर तुमको कुछ पूछना है पासना है, तो मतलब कुछ पूछना पासना है, जिनकी कुछ चाहते हो एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए, तो
तो देखना मैं ट्राई करता हूँ, जो भी तुम्हारी होगी बना के देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए टाटा है, बाय बाय है, और मौज मारो। टाटा।